और हम आ रखे हैं स्टेडियम में पिथौरागढ़। जैसे आप लोग को पता है मोदी जी आने वाले हैं, तो आप उनको देखने आए परिस्थितियां, किसान भी साथ में हमारे उत्कृष्ट। तो अभी मोदी जी पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, तो फिर आप लोग को दिखा रहे हैं। आज हम पहली बार सामने से मोदी जी को देखेंगे, तो मोदी जी को देखने आए हैं। तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखा छाने लगा मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने भी अपने उस पार्वती कुंड के जरूर दर्शन करने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से नारायण आश्रम में भी जाना, या अपने आप को मुझे लगता है कि एक अद्भुत अध्यात्म के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लगाव और जो संदेश है और जो ताकत उनको मिलती है जिस अध्यात्म शक्ति से, वह सभी साथियों और मातृशक्ति 1893 में स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था, वो शिकागो में गए और वर्ल्ड उन्होंने इसकी थीम दी कि एक दुनिया, एक परिवार और एक भविष्य। जो हमारे शास्त्रों के अंदर वैसे तो आएगा, रात ही हो जाने वाली आज। और भारत की यश गाथा सारी दुनिया में फैली, लोगों को लगा कि भारत बल्कि आईटी और टेक्नोलॉजी के अंदर विकसित देश है। भारत की यश गाथा सब जगह दुनिया में गाई गई। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा नेतृत्व भारी गौरव की बात है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं कहूँगा, रावी की रवानी बदली है, रावी की रवानी बदलेगी। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और जल्दी ही मंच पे पहुंच जाएंगे, आप अपना हम सबके मनों को आह्लादित कर रही है।
हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जनता जनार्दन हर कोने से हर घर से कण कण आज मोदीमय हो चुका है। सभी को आशीर्वाद दे के सभी का अभिवादन स्वीकार कर माननीय ने अपना स्थान ग्रहण किया है। गंगा की पवित्रता और हिमालय की प्रखरता के समन्वय का नाम है देवात्मा उत्तराखंड। उत्तराखंड की धरती में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तरी वस्त्र और कुमाऊनी टोपी पहनाकर माननीय का स्वागत। 1936 में निर्मित श्री नारायण आश्रम जो सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शैक्षिक केंद्र है उसकी प्रतिकृति माननीय को भेंट की जा रही है। माननीय श्री नारायण आश्रम की प्रतिकृति बोधिसत्व विचार श्रृंखला एक नई सोच एक नई पहल पुस्तक माननीय को भेंट की जा रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने हेतु आपका आह्वान एवं आपके बोधक मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास से प्रेरणा लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जन संवाद आधारित गवर्नेंस मॉडल हेतु बोधिसत्व विचार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थित होने पर सोनगांव के पिथौरागढ़ में दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए इस जनपद में आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड के सवा करोड़ भाई बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज प्रातः काल से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य में आगमन हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने आज ऐसा लग रहा है कि पिथौरागढ़ पहुंचते पहुंचते शायद ही कोई घरों पर अपने हो, सारे की सारी माताएं बहनें बड़े केदारखंड में आज विकास की गंगा वही है। हर प्रकार से आज केदारखंड विकसित हुआ है, पौराणिक स्थलों का विकास हुआ है। उसी प्रकार आज आपकी मानसखंड की यात्रा जो आज, लेकिन कुछ बातें जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारे देश की प्रगति हुई है, आज भारत जिस प्रकार से विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। भाई बहनों, आज जहाँ इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि भारतवर्ष की गोद में उत्तराखंड देवों का धाम है। 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा उत्तराखंड के। चले चले गनी गनी गीत, कल कर चले चले गनी गनी गीत, हनी हवा ठंडो पानी पहाड़ों में।
जोरदार तालियों के साथ इन विकास कार्यों का सम्मान और विकास कार्यों को लेकर अत्यंत पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्टी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री, सभी सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और देवभूमि के मेरे प्यारे परिवारजनों, आप सभी को प्रणाम। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दिया, शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला। आध्यात्म और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूँ। वीर माताओं को विशेष रूप से वंदन करता हूँ। आप बुला रहे जब बद्रीनाथ धाम में जय बद्री विशाल का उद्घोष होता है, मोदी जी बुला रहे हैं, गढ़वाल राइफल्स के वीरों का जोश बढ़ जाता है। जब गंगोली हार के काली का मंदिर की घंटियां जय महाकाली के जयकारों से गूंजती है, तो कुमार रहीमन के वीरों में अदम्य साहस का संचार होने लगता है। यहां मानस खंड में बागेश्वर, बैजनाथ, नंदा देवी, गोलू देवता, पुनरागिरी, कसार देवी, कैंची धाम, कटारवाल, नारा कमता, रिक्षा साहिब, अनगिनत देव स्थलों की श्रृंखला का वैभव हमारे पास बहुत बड़ी विरासत है। राष्ट्र रक्षा और आस्था की इस तीर्थ भूमि पर मैं जब जब आया हूं, जब भी आपका स्मरण किया मैं धन्य हो जाता हूं। मेरे परिवारजनों, यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। कुछ ही देर पहले मेरी मुलाकात हमारे सीमा के प्रहरियों, हमारे जवानों के साथ भी हुई है। मुझे स्थानीय कला और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हमारे सभी बहनें भाई, उनसे भी मिलने का मौका मिला। यानी भारत की संस्कृति, भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि से जुड़े हुए इन तीनों स्वरूप में इस प्रकार से मेरी नए प्रकार
संसार की यात्रा भी जुड़ गई, सभी के दर्शन एक साथ हो गए। उत्तराखंड का ये सामर्थ्य अद्भुत है, अतुलनीय है। इसलिए मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के ये मोदी ने नहीं किया है, आपने किया है। ये सब कुछ आप मेरे परिवार जनों ने किया। तो कैसी ये तो हाथ मिलाता हूँ ना, तो बराबर आदमी मिलाता हूँ। और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना, तो मुझे नहीं देखते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते हैं। मेरे परिवारजनों, दूर सुदूर पहाड़ों पर देश के कोने कोने में जो लोग रहते हैं, हमने उनकी भी चिंता की। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए। साथियों बैठिए, और हमारियों में आपका अब तक 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 70,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा स्वीकार करते हुए माननीय प्रस्थान कर रहे हैं। तो गाइस हम लोगों ने मोदी जी को देख लिया और उनका मासर भी सुन लिया। हम जा रहे हैं घर और पीछे है किसान भाई लोग के साथ आ रहे हैं। हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, तो अब हम अभी जा रहे हैं गली से होते हुए स्टेडियम के पीछे वाले रास्ते से घर को। तो स्कूटी के वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, तो फिर हम चले जाएंगे घर। तो फिर आपको मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो पे। बाय। तब तक के लिए हमारी वीडियो को प्लीज़ 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 सपोर्ट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।